साथियों, आतंकवाद ही नहीं, देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली और उसे पालने पोसने वाली भी कांग्रेस ही रही है। विशेष तौर पर सेना से जुड़े, देश की सुरक्षा से जुड़े काम में मिलने वाली दलाली को इनको खासी पसंद है। जितना बड़ा सौदा उतनी ज्यादा मलाई। जीप घोटाले से लेकर बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर की दलाली तक इन्होंने बहुत खूब झंडे गाड़े हैं। भाई और बहनों, इटली के जिस मिशेल मामा को नामदारों ने भगा दिया था, उसको और उसके दूसरे साथियों को ये चौकीदार दुबई से उठाकर लाया है। अब कोर्ट में जो आरोप पत्र दायर किया गया है, उसमें उसने साफ साफ बताया है कि हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई। सोचिए, एक परिवार, एक बेटा, एक दरबारी, तमाम राजदार और एक मामा। भाइयों और बहनों, 2014 में आपके एक वोट ने इन सबको कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। अब 2019 में आपका एक और वोट उन्हें असली जगह पर पहुंचाएगा, वहां पहुंचाएगा जहां आप इन भ्रष्टाचारियों को देखना चाहते हैं। आने वाले समय में देश का बरसों पुराना इंतजार खत्म होने वाला है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के कारनामे पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसे ही रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार ही कांग्रेस में विरासत है। आज नामदार परिवार जमानत पर बाहर है और कई पूर्व मंत्री कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही कारनामों के चलते कांग्रेस पिछली बार 44 सीटों पर पहुंची और इस बार संकट और गंभीर है उनके लिए।